Assalamu alaikum, dear students. Let's start our next activity. Form pairs. Use the following sentences to prepare and present different dialogues between A and B. जोड़ियाँ बनाइए ज़ैल के जुमले इस्तेमाल करके A और B से अलग अलग मकालमे तैयार कीजिए और मुनासिब अदाकारी के साथ पेश कीजिए. आपको यहाँ पर A और B दोनों की जोड़ियाँ लगानी है, सेंटेंसेस तैयार करने हैं और उसे क्लास में अदाकारी के साथ पेश करना है. सबसे पहले हम डायलॉग्स तैयार कर लेते हैं. What's the matter? उसके साथ हम जोड़ते हैं I don't know. What's the matter? I don't know. या फिर आप कह सकते हैं, अगर आपसे किसी ने पूछा What's the matter? तो आप उसके साथ कह सकती हैं कि I have headache. I have a fever. इस तरह से आप जोड़ियाँ बना सकते हैं. उसके बाद हम देखते हैं Aren't you feeling well? I have a headache. इस तरह से भी आप कह सकते हैं. और We must tell the teacher. अगर सामने वाले ने आपसे कहा कि मुझे headache है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि We must tell the teacher. चलो हमें टीचर से कहना चाहिए. या फिर आप कह सकते हैं You must see a doctor. आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए. और इस तरह से उसका जवाब आपको मिल सकता है All right. और इसी तरह से आप कह सकते हैं What's wrong? What's wrong? यानी क्या बात है? तो उसका जवाब आपको मिल सकता है I have A body ache, मुझे बदन में दर्द है. और इस तरह से आप उसका जवाब दे सकते हैं You must see your doctor. आपको डॉक्टर को बताना चाहिए. और इस तरह से जवाब मिल सकता है आपको Oh. इसी तरह से दूसरा डायलॉग तैयार करते हैं Aren't you feeling well? कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है. और इस तरह से इसका जवाब आपको मिल सकता है I don't know. मुझे नहीं मालूम. या फिर आपको इसका जवाब मिल सकता है कि No, it's all right. नहीं, सब ठीक है. या फिर हम बना सकते हैं What's wrong? और इसका जवाब आपको मिलेगा No, it's all right. इसी तरह से अगर आपको जवाब में मिलता है कि I have a fever, तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं Oh, I'm so sorry. और फिर उसके साथ ही आप कह सकते हैं Take rest. या फिर Go home. आराम कीजिए. या फिर घर जाइए. और इसके जवाब में आपको मिल सकता है थैंक यू. और इसके जवाब में कह सकते हैं थैंक यू. और इसके साथ साथ अब हम ये सेंटेंस भी बना सकते हैं व्हाट्स द मैटर. और इसके जवाब में आपको बोल सकते हैं आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं मालूम. और इस तरह से आप रिटर्न उसका जवाब दे सकते हैं ऑल राइट. और उसी तरह से अब हम ये सेंटेंस बना सकते हैं व्हाट्स द मैटर. कैन आई हेल्प, क्या बात है, क्या मैं मदद कर सकता हूँ. और इसके जवाब में आपको कह सकते हैं थैंक यू. अजीज़ तलबा, आपने देखा कि हमने फॉर्म पेयर्स इस एक्टिविटी के तहत ए और बी से कितने सारे डायलॉग्स बना लिए हैं. अब आपको इन डायलॉग्स का इस्तेमाल करके उसे मुनासिब अदाकारी के साथ क्लास में पेश करना है.